सो फाइनली एक बार फिर से खिलाड़ी कुमार ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के माध्यम से पूरे बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया है मेरे भाई। दोस्तों आपको तो पता ही है कि सूर्यवंशी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 22 दिन हो चुके हैं, यानी कि कल से इस फिल्म का चौथा वीक शुरू हो चुका है। और भाई इस फिल्म ने चौथे वीक की शुरुआत जिस तरीके से की है बॉक्स ऑफिस पर, उसको देखने के बाद अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भैया खिलाड़ी कुमार की ये फिल्म यानी कि सूर्यवंशी बॉलीवुड के लिए इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित होगी बॉक्स ऑफिस पर। यानी कि भैया अंतिम द फाइनल ट्रूथ और उसके साथ में सत्यमेव जयते 2 को लेकर जब ये खबर हम लोगों के सामने आई कि भाई ये फिल्में बैक टू बैक सिनेमाघर में रिलीज होंगी, तो भैया इन दोनों फिल्मों को ध्यान में रखते हुए ये बात कही जा रही थी कि भैया हो सकता है कि इन दोनों फिल्मों के सामने में सूर्यवंशी का असर बॉक्स ऑफिस पर कम हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी कही गई थी कि अगर ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अगर अपना अच्छा छाप नहीं छोड़ पाए तो उसका सीधा फायदा सूर्यवंशी को मिलेगा। और भाई सूर्यवंशी को लेकर आज एक ऐसी खबर हम लोग के सामने आई है जिसको सुनने के बाद सूर्यवंशी के जो दीवाने हैं वो खुशी से झूम उठेंगे। यानी कि पहले तो ये खबर हम लोग के सामने ऑलरेडी आ गई थी कि सत्यमेव जयते 2 और उसके साथ अंतिम द फाइनल ट्रूथ की वजह से सूर्यवंशी का जो स्क्रीन काउंट है वो कम हो गया था बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन भाई इन दोनों फिल्मों को जिस तरीके का ओपनिंग मिला है ना मेरे भाई 25 और 26 तारीख को, उसको देखने के बाद भैया अब सूर्यवंशी का जो स्क्रीन काउंट है उसे बढ़ा दिया गया है। तो भाई सूर्यवंशी ने 22वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है वो रिपोर्ट हम लोग के सामने आ गए और भाई वो रिपोर्ट बहुत ही पॉजिटिव है। यानी कि भैया सूर्यवंशी ने 22वें दिन बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन किया है वो है 71 लाख रुपये का। और इस कलेक्शन के माध्यम से इस फिल्म ने भैया 185 करोड़ का आंकड़ा 22 दिनों में ही पार कर लिया है बॉक्स ऑफिस पर। और भाई जिस तरीके से सूर्यवंशी को चौथे हफ्ते में ऐसा सपोर्ट मिला है बॉक्स ऑफिस पर, उसको देखने के बाद अब ये बात कही जा रही है कि ये फिल्म बहुत आराम से इंडिया से 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भाई सूर्यवंशी कुमार ने तो अपने बेहतरीन प्रदर्शन के माध्यम से सबको ये बात तो बता दी है कि भैया अभी भी उनमें बहुत जान बाकी है, यानी कि सूर्यवंशी इतने जल्दी मैदान नहीं छोड़ेगी बॉक्स ऑफिस पर। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है सूर्यवंशी क्या 200 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार कर लेगी इन दोनों फिल्मों के सामने, अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।